नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की जो इस समय की बड़ी खबर है वो यूपी टेट 2019 को लेकर आ रही है। जी हाँ, यूपी टेट 19 जो 22 दिसंबर को था, उसे 22 दिसंबर पे जो पेपर कैंसिल हो गया था उसे आगे बढ़ा दिया गया था। और इसे लेके बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोई भी डेट लगातार क्लियर नहीं हो पा रही है और इंटरनेट पे और सभी जगह से जो है अलग अलग डेट का आना जारी है। लेकिन अभी इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस संबंध में एक आदेश भी आया हुआ है और साथ ही साथ न्यूज पर भी ये फ्लैश हो रहा है कि 8/1/2020 यानी कि 8 जनवरी को यूपी टेट 2019 की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। चलिए सबसे पहले इस लेटर को देख लेते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 8/1/2020 दिन बुधवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 के आयोजन के दृष्टिगत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन महाविद्यालयों में दिनांक 8/1/2020 दिन बुधवार को अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि 8/1/2020 को जो है सभी महाविद्यालयों में जो भी उत्तर प्रदेश के अधीन है उन्हें में जो है वो अवकाश घोषित कर दिया गया है। और इस अवकाश को घोषित करने का जो कारण है वो यह है कि इस दिन शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2019 की परीक्षा करवाई जाएगी। ये न्यूज जो है वो इस समय न्यूज चैनलों पर भी चल रही है लगातार कि 22 तारीख की जो परीक्षा है उसको हटाकर अब 8/1/2020 यानी 8 जनवरी 2020 को कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस संबंध में बहुत ही जल्दी जो है फाइनल आदेश भी आ जाएगा और साथ ही साथ ये भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अपने एडमिट कार्ड साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अगर हमारे चैनल को और कोई भी खबर मिलती है तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाएगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।